नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले के गांव पंचायत अकबरपुर में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है डॉक्टर प्रताप सिंह। इनके पिता और ताऊ पूर्व में यहां ग्राम प्रधान रह चुके हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रताप जी, आपके पिताजी और ताऊ जी यहाँ पहले ग्राम प्रधान रहे हैं, तो जो उनके कार्यकाल में बड़े बड़े विकास कार्य हो पाए, पहले उनके बारे में बताएं। मेरे ताऊ जी जो है स्वर्गीय श्री नथी सिंह जी 20 साल प्रधान रहे। उन्होंने जो है पूरे गांव में गरीबों के लिए प्लॉट पट्टे जो भी थे वो सब दिए और भाईचारा कायम किया, और यहाँ की जो समस्याएं सब यहीं पे दूर किया करते थे। और वही हम चाहते हैं गांव में, गांव की अपनी एक सरकार है, और सरकार में जैसे दिल्ली में जैसे मोदी जी काम करते हैं, ऐसे यूपी में योगी जी काम करते हैं, ऐसे ही जो है गांव में ग्राम प्रधान जो काम करता है, उसी तरह से हम लोग सारी जो है भारत सरकार की, यूपी सरकार की सारी जो योजनाओं का लाभ अपने गाँव वासियों को दिलवाने के लिए पूरा सक्षम प्रयास करेंगे, और ये जो है हम लोगों का जो है प्रयास रहा है रहेगा। आज आप पंचायत में क्या क्या समस्याएं मानते हैं, और ऐसा कौन कौन से विकास कार्य जो आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? एक हमारे यहाँ एक्चुअली जो है ये नाले नालियाँ सब चौक हुई पड़ी हैं, और यहाँ पर लोगों की जो है नालियों में खंजरा, कुछ कुछ जो गरीब बस्तियों में खंजरा जो है टूटे फूटे पड़े। सबसे पहले मैं पानी के निकास के लिए योजना बनाऊंगा और इसको योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को सफल बनाऊंगा। फिलहाल जो है हम लोगों ने बिना प्रधान सब भाइयों के सहयोग से उस नालियों को साफ किया है, और नाली साफ करवा के पानी भरने की जो समस्या थी उसमें काफ़ी कमी आई है। इसी तरह से हम जो है ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये हम नालियों को सफाई वफाई करा के और दुरुस्त कराएंगे, जिससे गांव की सफाई, गांव शुद्ध रहेगा तो हमारा जो भारत शुद्ध रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार शुद्ध रहेगी और हम शुद्ध रहेंगे। तो लिहाजा हम लोगों का प्रयास है कि ये जो है सफाई अभियान पूरा सबसे पहले करेंगे। और दूसरा जो है इस समय कोरोना पीरियड है, कोरोना पीरियड में हम लोग जो है सब भाई हमारे जो कुछ अनभिज्ञ हैं उनको उनको उनकी जो है सुरक्षा के लिए मास्क लगाना और सैनिटाइज को यूज करना, और जो है सारी और जो गवर्नमेंट से जो है योजना है, गवर्नमेंट की जो है प्लानिंग है, उसको हम जो है क्रियान्वित करेंगे और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखेंगे। और गरीब बस्तियों में जो है गरीब जिनको मकान नहीं है उनको मकान दिलवाएंगे, और कुछ तो मकान हमारे गांव से जो है ये कह के कि गांव में कोई गरीब नहीं है, करीब 125-150 मकान जो है चले गए हैं उनको हम वापस दिलवाएंगे। गरीबों को बिना घर के किसी गरीब को नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा है गांव में जाके गरीब बस्तियों में, जाटव बस्तियों में देखा है कि वो जो है उनकी टीन की चादर में गुजर कर रहे हैं वो सारे लोग, जो गांव की स्थिति खराब है उसको सुधारेंगे। सब लोग भाइयों को जब मकान मिल जाएंगे तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाएंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, और सारी जो है योजनाएं उनके उनको सामाजिक स्तर से ऊपर उठाने के लिए सारी योजनाओं का लाभ उन्हें पहुंचाएंगे और लाभान्वित करेंगे। पंचायत में अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका, उसकी व्यवस्था बदहाल है, पशु अस्पताल की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, तो क्या कोशिश है आपकी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ जो सुविधा भारत सरकार दे रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो दे रही है योगी जी सरकार, उसका जो पूरा जो है लाभ तो नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि ये जो है हम जब प्रधान हो जाएंगे तो ये स्वास्थ्य शिविर अपने यहाँ लगवाएंगे, दवाइयाँ यहीं बटा करेंगी और यहीं पे जो है स्वास्थ्य सबकी जो चेकिंग हुआ करेगी। भारत सरकार के अच्छे संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टरों को बुलाया करेंगे, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे और उसमें जो है सारे लोग स्वस्थ रहें, इसके लिए स्वास्थ्य योजनाएं हम कार्यान्वित करेंगे। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? मैं प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, ये गांव गांव के जो समस्याओं को देखते हुए, मैं सरकारी अधिकारी रहा था और रिटायरमेंट के बाद मैं जो है बाहर आया हूँ गांव में, गांव में यहीं मेरी जमीन जायदाद घर है और मैं यहीं रहूँगा। यहीं रह करके पहले भारत सरकार की सेवा की है, उसी तरह से मैं ईमानदारी और कर्मठता से वो अपने गांव का विकास करूँगा। उसका जो काम किया है मैंने, नौकरी की है, उससे सारे गाँववासी लाभान्वित होंगे। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।
आज हमें मथुरा जिले की गांव पंचायत अकबरपुर में, यहाँ से पूर्व प्रधान जसवंत सिंह, जिन्हें लोग यहाँ जस्सू के नाम से पुकारते हैं, इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जसवंत जी, आप पहले जो अपने कार्यकाल में प्रधान के तौर पे जो विकास कार्य करा पाए, पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। ग्राम पंचायत अकबरपुर में सबसे पहला काम मेरा सर मेरा काम सबसे पहला रहा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, गरीबों को राशन मुक्त दिए थे। जो गरीब परिवार भूखे रहे थे उनको मैंने भूखे नहीं सोने दिया। और दूसरी भी विद्युत का सारा काम कराया चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से। और एक चौपार, बड़ी चौपार थी, उसका भी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के उसे माध्यम से हुई काम कराया है। उसमें लगभग 8.5 लाख रुपया लगे थे। और एक कस्बा विद्यालय जो चौमा बनना था उसको मैं अपने गांव में ही देवी माँ के मंदिर के पास लेके आया। और एक एक हमारे अम्बेडकर पार्क है, भीमराव अम्बेडकर पार्क जी है, उसमें मैंने 1,67,000 ईंटों का खरना का निर्माण कराया। और एक मैंने उसमें एक बड़ा हॉल और तिवारी बनवाई। उसमें एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि मेरी बेटियां पढ़ती हैं, उस और बेटे भी पढ़ते हैं, उसमें वो उसका निर्माण कराया मैंने। और विद्युत का कार्य कराई दिया है। अब मेरी प्रथमता आगे ये है कि सबसे पहली प्रथमता ये है कि रेलवे स्टेशन अजही है, उसमें मेरी वोटर रहते हैं, लगभग 45 के लगभग वोटर रहते हैं। सबसे पहला काम मेरा ये है कि उसकी विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से बिल्कुल करानी ही है और होगी वो तो खैर। और दूसरा काम ये है कि अब ये लड़ाई झंझट होते हैं, मैंने पहले भी कोई थाने तक FIR अपने पूरे गांव की FIR ना जाने, यहीं सुलझाए और सुलझाऊंगा अभी। और जो अब जो बाकी व्यवस्था है पानी की है, ये टंकी हमारी खराब है और डायरेक्ट सप्लाई चल रही है। इस टंकी को सुचारू रूप से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से इस टंकी को भी चालू कराऊंगा मैं। और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा है, उनका सम्मान है, उसमें मेरा विशेष ध्यान है और उसमें पूर्ण सहयोग करूंगा मैं। पंचायत में जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या कुछ उनके योजना लिए बेरोजगार की व्यवस्था है। और बेरोजगारी तो इस समय में पूरी बेरोजगारी चल रही है। उनके लिए मैं उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कराऊंगा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से, कुछ अपने माध्यम से, क्योंकि सरकारी नौकरी तो है नहीं है सर, और सरकारी नौकरी तो है नहीं है। तो इसके लिए मैं प्राइवेटों में, फैक्ट्रियों में, लिमिटेड फैक्ट्रियों में उनको जरूर लगाऊंगा सर। पंचायत में? अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल, उनकी व्यवस्था बदहाल है, तो क्या कुछ हिसाब किया जाए? उसमें स्वास्थ्य केंद्र है, मेरे शासन में बना था, अब वो बदहाल है, यहाँ नर्स वर्स कोई नहीं आती है। तो उनकी व्यवस्था कराई जाएगी स्वास्थ्य केंद्र की, और चालू कराया जाएगा वो, और नर्स वर्स जो है वो यहीं बैठो करेंगी। और ये पशु चिकित्सालय, उसमें एक डॉक्टर आते हैं, पर वहाँ व्यवस्था पानी की भी नहीं है, उस पानी की व्यवस्था को भी कराऊंगा मैं। और डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर तो आते हैं, कभी कभी आते हैं फिर, तो उसके लिए वो वहाँ बैठा करेंगे, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना मेरा चाहेंगे? निवेदन ये है, तुमको अच्छा लगे, ये सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बस्ती वाले जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तुमको अच्छा लगे, तुम्हारा काम करे, उसको वोट दो, मेरी प्रतिमा जी है जी। और बस्ती वालों से ये प्रार्थना करो, तुमको अच्छा लगे उसी को देना। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत अकबरपुर में, यहां से युवा प्रत्याशी विष्णु वकील चुनाव मैदान में है। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। विष्णु, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं सर्वप्रथम चार मुखी विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। गांव के अंदर कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तथा जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा। गांव के अंदर समानता का अधिकार दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए पेंशन, वृद्धा महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन, और बुजुर्ग 60 साल महिलाओं के लिए 60 साल, विकलांगों के लिए विकलांग अवस्था पेंशन दिया जाएगा। और युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा, जैसे कि KD मेडिकल है, IVS कॉलेज है हमारे अंदर, यहाँ पर GLA यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है हमारे अंदर, उसके अंदर बाउंसरिंग की किया जाता है, नर्सिंग कोर्स भी है उसमें अंदर, वो भी दिलाया जाएगा उनको। गांव के अंदर चौमुखी विकास किया जाएगा, जैसे कि बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है, और महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, युवाओं के लिए कोचिंग सेंटर है, और क्या कहते हैं, हेल्थ क्लब की व्यवस्था की जाएगी तथा खेलकूद क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था की जाएगी। तालाबों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, तालाब है हमारे यहाँ पे, खुदाई का कुएं, उन इत्यादि को ध्यान दिया जाएगा। और भी बहुत सारे विकास हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है गांव के अंदर,
उसके ये गांव गांव स्तर पर संभ्रांत लोगों के द्वारा निस्तारण किया जाएगा, ना कि पुलिस का हस्तक्षेप होगा उसमें। पंचायत में आपके जो स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, उनकी व्यवस्था भी बदहाल है, तो क्या कोशिश आपकी रहेगी? उनके अंदर सभी के लिए पशु चिकित्सालय में पशुओं की दवाइयों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और अधिकारियों पर ध्यान दिया जाएगा कि बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं हफ्ते में बैठते हैं, महीने में बैठते हैं, 15 दिन में बैठते हैं, रोजाना 12 घंटे की ड्यूटी लगाई जाएगी उनकी, अत्यधिक ध्यान दिया जाएगा। चारों तरफ से गांव के अंदर से चार चार छः छः कमेटियां बनाई जाएंगी जो कि चारों तरफ से संभाल सकें व्यवस्था को। आप प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी पंचायत के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि जातिगत और वो भेदभाव न रखते हुए गांव के विकास और युवाओं की तरफ देखें, बुजुर्गों की तरफ देखें, जिसके पास मकान नहीं है, रहने के लिए खाना नहीं है, उनकी उनकी तरफ सोचें, भेदभाव ना करते हुए चौमुखी विकास के लिए तरफ सोचें और जातिगत खत्म करने के लिए सोचें।